So, hello guys, मेरा नाम है दक्ष, आप देख रहे हैं आपका और मेरी रिजल्ट क्लास हूँ। So guys, आज हम लोग कोरोना वायरस पे एक वीडियो बनाने वाले हैं। इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि कोरोना वायरस से बचने के उपाय, जो कोरोना है उसे आप कैसे बच सकते हैं, ठीक है। और तो इसमें जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि मतलब थोड़ी बहुत कोरोना से बचने के उपाय बताए थे मैंने, जो COVID-19 की दोनों वीडियो है मैं उनमें थोड़े थोड़े बता दिए थे। तो इसमें आज मैं आपको एकदम डीप नॉलेज दूंगा कोरोना वायरस के बचने के उपाय में। तो बिना वक्त जाया करें आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी और आप सबसे पहले मेरी वीडियो देख सकेंगे। तो और हाँ, वीडियो के अंत तक बने रहे जिससे कि आपको कोरोना वायरस के एकदम बहुत महत्वपूर्ण बचने के उपाय मिलेंगे। और अगर आपने ये उपाय अपने जीवन में अप्लाई किया तो आप अगर आपको कोरोना वायरस हो भी जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा, आप नेगेटिव निकलेंगे। और कोरोना वायरस अगर होगा तो वो भाग जाएगा, जैसे ही आएगा वैसे भाग जाएगा। तो एकदम ऐसे दमदार उपाय है, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। तो अब आगे बढ़ लेते हैं। कैसे पता चलेगा कि आप कोरोना वायरस से संक्रमित हैं? एक बात आती है कि कुछ लोग पूछते हैं कि भाई हाँ, मैं कोरोना वायरस से संक्रमित हूँ या नहीं, अगर मैंने टेस्ट नहीं लिया है लेकिन मुझे पता करना है अभी भी। हाँ, तो देखना पड़ेगा कि आपके लक्षण क्या है, कोरोना वायरस के लक्षण क्या है, उसी से अपने लक्षणों को मैच करना होगा। अगर आपके सारे लक्षण मैच करते हैं कोरोना वायरस के लक्षण से, हाँ तो आप मतलब आप COVID-19 से संक्रमित हैं। तो सबसे पहला है सूखा गला, सबसे पहला लक्षण है सूखा गला। दूसरा सूखी खांसी, ठीक है, आपका गला सूख जाएगा और आपकी खांसी सूखी आएगी। अब उच्च तापमान, मतलब आपको बहुत ज्यादा बुखार होगा, फीवर होगा, ठीक है, एकदम बहुत हाई वाला वो भी। सांस की तकलीफ, आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, सांस लेने में क्यों तकलीफ होगी ये भी जान लेते हैं जरा सा। सांस लेने में तकलीफ इसलिए होगी क्योंकि कोरोना वायरस आपकी लंग्स के अंदर घुस जाता है, ठीक है, और वहां आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को पूरा का पूरा डैमेज करता रहता है थोड़ी थोड़ी देर में। हाँ ठीक है, तो आप आगे बढ़ लेते हैं। तो कोरोना वायरस से बचने के लिए उसके अंदर एकदम डीप घुसना पड़ेगा कि कोरोना वायरस की हम लोग पीएच वैल्यू देखेंगे, पीएच वैल्यू, और जो कोरोना वायरस है उसके पीएच वैल्यू से हमें हाइयर पीएच वैल्यू की चीजें लेनी और खानी होंगी, ठीक है। अभी देख लेते हैं COVID-19 की पीएच वैल्यू क्या है। COVID-19 की पीएच वैल्यू है 5.5 से 8.2 पीएच के बीच में है, ठीक है, 5.5 8.2, ये आराम से आपको याद हो जाएगा, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ तो देखिए 8.2 पीएच वैल्यू से ऊपर वाला खाना आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहला है नींबू, नींबू आप जानते होंगे, लेमन, ठीक है। तो नींबू की पीएच वैल्यू हम लोग पहले जान लेते हैं। नींबू की पीएच वैल्यू 8.2 से 9.9 के बीच में है, इसका जो पीएच वैल्यू है 8.2 के बाद 9.9 के बीच में है, ठीक है। अब एवोकाडो, ठीक है, एवोकाडो, ठीक है, एवोकाडो की पीएच वैल्यू हम जान लेते हैं। एवोकाडो की पीएच वैल्यू है 15.6। लहसुन, लहसुन आजकल सभी घर में पाए जाते हैं, आजकल ज्यादातर लोग लहसुन ही खा रहे हैं जिससे कि वो इनकी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाए, ठीक है। तो लहसुन की पीएच वैल्यू है 13.2, क्या है 13.2, मतलब आप अगर लहसुन खाएंगे ज्यादातर तो आप कोरोना वायरस का आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा, ऐसा आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा। आम, आम आजकल बहुत बिक रहे हैं तो आप आम भी खा सकते हैं। आम में है 8.7 पीएच, मतलब ये सारे जो मैंने चीजें दी हैं वो कोरोना वायरस की पीएच वैल्यू से सारी ज्यादा ही है। कीनू, कीनू एक फल होता है तो उसकी पीएच वैल्यू 8.5, ठीक है। अनानास, तो अनानास है उसकी पीएच वैल्यू पे गौर करिए, 12.7 पीएच वैल्यू है, ठीक है। और अब आगे वाटर क्रेस, ये भी एक प्रकार का फल होता है, हाँ तो उसकी वैल्यू देखिए पीएच की 22.7, इतना ज्यादा वैल्यू उसका पीएच का है। अगर आप वाटर क्रेस खाते हैं हाँ तो मतलब आप कोरोना वायरस होगा किसी को पता नहीं चलेगा, इतना ज्यादा असर करेगा ये वाटर क्रेस आपकी इम्यून, अगर आप ये सभी खाते हैं तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम है इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, अपने आप इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि आपको अस्पताल जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ना क्वारंटाइन,
इतना ज्यादा ये असर करेंगे आपके इम्यूनिटी सिस्टम पे। और हाँ, जो ये ज्यादातर चीजें हैं ये आपके सिट्रस फूड यानी ये सब विटामिन सी देते हैं, इसलिए विटामिन सी क्या करता है, विटामिन सी हमारे इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो लेकिन इसमें और भी जो थोड़े बहुत उपाय हैं तो वो भी हम लोग देख लेते हैं क्या है वो। टेक विटामिन सी एंड विटामिन ई टेबलेट पर डे। जैसे मैंने अपनी पिछली और पिछली वीडियोस में बताया था कि आपको विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है, तो आपको करना क्या है, बहुत आसानी से विटामिन सी की टैबलेट आजकल मिल रही है। विटामिन सी और विटामिन ई की टैबलेट आपको रोज खानी है, ठीक है, इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। टेक सन बाथ फॉर 15 to 20 मिनट्स। आपको सन बाथ लेनी है, आपको अपने आपको धूप में सेकना है 15 से 20 मिनट, तो मिनिमम 15 से 20 मिनट आपको धूप में रहना है तो रहना है। अब सोना, जो सो मतलब जब सोते हैं तो वो भी काफी असर करता है आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने में। तो आपको अच्छे से आराम करना है, अच्छे से सोना है। अब कितने घंटे सोना है, मिनिमम 7 से 8 घंटे तो आपको सोना ही सोना है। अब रात में जल्दी सो जाइए अगर सुबह में जल्दी उठना हो तो, ठीक है। अब वाटर के बारे में जान लेते हैं। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, आपको वाटर बहुत ज्यादा पीना है, वाटर भी आपकी इम्यूनिटी सिस्टम में कुछ ज्यादा ही मदद करता है। और हाँ, डोंट ईट और ड्रिंक कोल्ड आइटम्स, आपको जो कोल्ड आइटम्स होते हैं वो ना खाइए और पीजिए। जैसे खाना दे दिया और तो खाना थोड़े बहुत ठंडा हो गया तो वो ठंडा खाना नहीं खाना है, एकदम गरम गरम खाना है आपको, एकदम गरम गरम खा भी लेना है। ना आइसक्रीम पीनी है और सॉरी आइसक्रीम खानी है, ना कि जूस और कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। ये सब चीजें आपको आपके सेवन नहीं करना है, ये चीजें आपको हार्म करेंगी, आपकी बॉडी को हार्म करेंगी और आपके इम्यूनिटी सिस्टम को भी बहुत ज्यादा हार्म करेंगी। सो गाइस, आशा है कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा और आशा है कि आप ये सारी चीजें खाएंगे और ये सारी चीजें अप्लाई करेंगे अपनी जिंदगी में। सो गाइस, अभी वीडियो एंड करनी पड़ेगी। सो लाइक शेयर एंड कमेंट द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।